मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कल के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सूत्र आपके सामने रख कहता हूं। बागवत जी कहते हैं बहुत गहरी बात। वो ये कहते हैं, ये साध्वी जी हैं इसलिए मुझे आज कहना बहुत उपयोगी भी लग रहा है इस सूत्र का। मैं सोचा था कि कल कहूंगा लेकिन आज कह रहा हूं। बागवत जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें कभी भी, तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें। भोजन का समय निश्चित करें, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया। हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। इस शरीर में जठर है, मैंने आपसे कहा उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है। तो बागवती जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें, तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां, इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं, ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो। हमारे यहां ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो। आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। बागवत जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें, और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। बागवत जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है, तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है। सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। सूर्य के उदय होने से, सूर्य का उदय होना आप चेन्नई के हिसाब से सोच लीजिए, मान लीजिए 7 बजे, तो 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होगी। हो सकता है यही सूत्र अरुणाचल प्रदेश में मैं बात करूं तो वो 4 बजे से 6:30 का समय आ जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 4 बजे निकल आता है। अगर मैं सिक्किम में बात करूंगा तो और 15 मिनट पहले हो जाएगा, और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूंगा तो आपसे समय थोड़ा भिन्न हो जाए। तो सूर्य के साथ इसको ध्यान रखें। तो सूर्य का उदय जैसे ही हुआ उससे अगले 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो बागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें, इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब, नाश्ता छोड़ें, सीधे ही भोजन करें। यहां तक वो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह 7 बजे से, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं, 7 बजे से 9:30 जठर अग्नि बहुत तीव्र होती है। बागवत जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय है, हृदय, और जैसे जठर है, जठर, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग अलग समय है। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। फिर इसी तरह से हृदय, हृदय के काम करने का समय है सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त आप समझते हैं 4:30, तो 2:15 बजे, 1.5 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हार्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए, क्योंकि हृदय जब सबसे ज्यादा सक्रिय होगा तो हृदय घात भी उसी समय होगा। इसलिए 99% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं, क्योंकि हृदय के काम करने का उस समय सक्रियता सबसे ज्यादा है।
इसी तरह हमारा लीवर है, इसी तरह किडनी है, इसकी पूरी एक सूची मैंने बनाई है, बाहर पुस्तकों में है, इसलिए विस्तार में मैं नहीं जाता। संकेत के लिए आपसे कह रहा हूं कि हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है, प्रकृति ने तय किया है उसको, भगवान ने तय किया है। तो आपका जठर अग्नि है, ये सबसे अच्छा 7 से 9.5, तो आप भरपेट खाना खाइए, ठीक है। फिर आप बोलेंगे जी दोपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लीजिए, लेकिन भागवत जी कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे ज्यादा, अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी ब्रेकफास्ट। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से, दोपहर का भोजन नाश्ते से कुछ कम करिए, 1/3 कम कर दीजिए, और रात का भोजन दोपहर के भोजन का 1/3 कर दीजिए। अब सीधे से मैं कहता हूं, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले लीजिए। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, तो भागवत जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ, आलू का पराठा भी खाओ, गोभी का पराठा भी खाओ, मूली का पराठा खाओ, जो आपको खाना है। हालांकि जैन है तो आलू का पराठा तो निषिद्ध है, मूली का भी निषिद्ध है आपके लिए। फिर अगर जो जैन नहीं है उनके लिए आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ। वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खाओ, तो पेट की संतुष्टि हुई, मन की भी संतुष्टि होती है। और बागवती जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है। मन हमारा जो है ना, ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लैंड के बारे में है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें से बहुत सारा रस निकलता है, जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। ये संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। तो भोजन अगर आपको तृप्त करता है, भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तृप्त होना, तृप्त करेगा तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो गड़बड़ होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे। अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे। मानसिक रोग बहुत खराब है, आप सिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपको कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। भागवत जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। उनकी पूरी सूची है, वो पुस्तक में है। कभी भी भोजन करें तो पेट तो भरे ही, मन भी तृप्त हो, और मन के तृप्त और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है। अब मैंने ये भागवत जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है, मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूं। हालांकि मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशियार ये जीव जगत के प्राणी हैं। आप चिड़िया को देखो, चिड़िया कितने भी तरह की चिड़िया, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भरपेट खाती है। 6 बजे के आसपास आप राजस्थान में निकल जाओ, गुजरात में निकल जाओ, सब चिड़िया अपने अपने काम पे लगी हुई है, खाना खाने में खूब जम के खाती है, और पेट भर गया उसके 4 घंटे के बाद ही पानी पीती है, दोपहर को ही पानी पीती। गाय को देखो, सुबह उठते ही सूरज जैसे ही निकलेगा गाय का खाना शुरू हो जाएगा, भैंस का खाना शुरू हो जाएगा, बकरी बकरे भेड़ गधा घोड़ा सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे और पेट भर के खाएंगे, छक के खाएंगे, फिर दोपहर को आराम करेंगे।
तो ये सारे जानवर, सारे जीव जंतु, आप सांप को देखो, बिच्छू को देखो, कीड़ी को देखो, चींटी को देखो, चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सबका भोजन करने का समय सवेरे सूर्योदय का ही है। सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं।